हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार इन्वेस्ट फोर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दो वीडियो आज के डेट में आ चुके हैं इन वीडियो को जाकर देखिए यहां पर आपको निफ्टी के लेवल अलग अलग स्टॉक्स के रिलेटेड यहां पर के बारे में पता चलेगी उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर पता चलेगी और एक लेकर स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर तिलक नगर इंडस्ट्रीज के रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाइए इसे भी देख के देख लीजिए और अब बात करने वाले एक दो ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो पावर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं दोनों ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जिनका नाम है टाटा पावर और आईएक्स टाटा पावर में आज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे आई एक्स यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल जो आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस मिलते रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे और जितना हो सके सीखने की कोशिश करो और ये पर्टिकुलर नंबर दे रखे आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आई एक्स से रिलेटेड बातें कर लेते हैं

एक आज के दिन में इसने भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है और धीरे 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 इंच इंच करके यहाँ पर आगे आगे स्लोली स्लोली ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए कम से कम टू सेवेंटी थ्री 273 का ये यहाँ पर आ, ये लेवल निकाल लेता है तो याद रखिये इसमें तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे सीधे लीड करती हुई नजर आएगी 304 की तरफ और थ्री और ये अगर इस पर्टिकुलर लेवल 318 सौ अठारह के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो एक इसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा जो कि काफी महीनों बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा तो तीन का यहाँ पर रजिस्टेंस है सौ अठारह तीन सौ का यहाँ पर रजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पर अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है दो के आसपास का तो ये यह पर आ, आप लगा के काम कर सकते, है। कर सकते हैं अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है तो बाइंग सेलिंग की इनमें कोई रिकमेंडेशन नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको हेल्प लेनी है डेफिनेटली और खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके सपोर्ट भी करिएगा लाइक like भी करिएगा अब बात कर ले हैं टाटा पावर की टाटा पावर में यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है ओके okay, नक्शे कदम पे यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से अडानी पावर में यहाँ पर जंप देखी गई थी तो शायद उसी को लीड करते हुए ये शेयर ऊपर जा सकता है बट पर पर थोड़ा सा थोड़ा सा सा पेशेंटली वेट करना शांति के साथ काम करिएगा क्यों क्योंकि काफी बार होता है कि चीजें ऊपर जाती हुई दिखती तो है बट ऊपर के लेवल पे जो ऑपरेटर होते हैं वो फंसा देते हैं और फिर चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पर आज के दिन में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल से इसे ऊपर चलना बहुत जरूरी था जो कि आज यहां पर देखा है यहां पर 267 को यहां पर इसने क्रॉस कर दिया 273 पे यहां पर क्लोज हुआ है तो इस लेवल को जो इसका ले, कल यहां पर दोबारा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है और RSI भी यहां पर सिंपली इंडिकेट कर रही है कि यहां पर शेयर ऊपर जाता हुआ तो 300 350 तक ये शेयर ऊपर जा सकता है और शायद 400 की भी चढ़नी दिखा सकता है बट याद रखिएगा इससे जब यहां पर ब्रेकआउट हो जाता है तो यहां पर आपको

टू फिफ्टी सेवन टू के आसपास तो इस लेवल पे भी आप पर 250 के सेवन के आसपास भी निकल सकते हैं तो ये एक स्टॉप लॉस दूसरा स्टॉप प्लस पहले ये दूसरा ये स्टॉप लॉस और बाकी यहाँ पर राइड करते रहिए इसे और ये मुझे लगता है कि अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर भागती हुई चीजें नजर आएगी तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है और यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना है और सतर्क रहने के साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करना है तभी आप सक्सेसफुल यहाँ पर इसे काम इसे यूज कर पाएंगे अदरवाइज यहाँ पर ऊपर के लेवल फंस जाएंगे और फिर एक काफी टाइम का कंसोलिडेशन हो सकता है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करने जितना हो सके सीखने की कोशिश करें चीजें अच्छी नजर आ रही है तो यहाँ पर आपको बताया गया है बट किस तरीके से राइड करना है वो भी आपको बताया गया है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर दे रखे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस